हमारे एक साथी को कितने बर्बरता पूर्वक मारा गया। आप सभी को ये भी पता होगा कि इस देश में संविधान का राज चलता है, पता है ना? देश में किसका राज चलता है? और हम इस देश के क्या है? हम इस देश के क्या है? देश के मालिकों को लठों से, डंडा से मात्र आपके खंडवा में नहीं क्यूली में भी मारा गया था। अब ये लड़ाई मात्र खंडवा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मात्र मध्य प्रदेश की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई पूरे देश की हो चुकी है कि कब तक आदिवासियों को इस प्रकार से लठ और डंडों से मारोगे? जब तक जब यहाँ पुलिस प्रशासन है, यहाँ कलेक्टर है। पुलिस प्रशासन किसके लिए बनाया गया है? ताकि कानूनी व्यवस्था को ढंग से संचालित कर सके। न्यायिक व्यवस्था यहाँ पर बनी है। अगर हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई आदिवासी किसी को अगर लाठी डंडों से अगर मार देता तो उसके पूरे परिवार को भी ये लोग परेशान करते और उसके घर को और उसके द्वारा बनाई पूरी संपत्ति को ध्वस्त कर देते। लेकिन आज हमारे भाई के साथ ये हुआ, कहाँ गलती है पुलिस प्रशासन जो हुई है उल्टा मारने? मैं आया हूँ, मैं लड़ने आया हूँ उन लोगों से जो हमारे लोगों के खिलाफ 100 लोगों के ऊपर जो फर्जी FIR का जिन लोगों ने षड्यंत्र बनाया, मैं उन लोगों की औकात याद दिलाने के लिए आया हूँ जो इन आदिवासियों के नाम पे राजनीति करते हैं। लेकिन जब उन आदिवासियों के ऊपर शोषण होता है, उनके भाइयों को लट्टों से जान से मार दिया जाता है, तब कहां जाता है इन नेताओं का खून को? ये सलारी का खून हमें समझ में आ चुका है। अरे नेता लड़े या ना लड़े, लेकिन ये समाज के युवा है, जब जब आपके ऊपर कुछ गलत होगा, जब जब आपके ऊपर आ जाएगी, तो पूरा युवा जो सड़कों में उतर के संसद वाली पावर यहाँ दिखाएगा। हमने चुनके विधानसभा और सांसद में पहुंचाया ताकि ये घटना दोबारा ना घटे। हमारे आदिवासी भाइयों को मारने से पहले, लट्टों से मारने से पहले उनका खून क्यों नहीं खोला? उनको डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि साथियों ये बहुत बड़ी बात है, ये बात डर की है। आप सोच के देखिए, कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति को अगर हमारा आदिवासी भाई मारे तो सोचता है यार ये चलो आप इंसानियत जिंदा है उसके अंदर। लेकिन हमारे लोगों को मारते समय उनको इतना सा भी डर नहीं लगा कि इसकी समाज है, इसका भाई है, इसकी बेटी है, इसके बहन है, इसके मम्मी पापा है, उनके बारे में ज्यादा सभी ये ख्याल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका हाथ कांपता नहीं, उनको लगता है कि आदिवासी जानवर है। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि आदिवासी तुम जानवर समझते हो? अरे जिस दिन शेर बन के वो धार रहेगा और जंगल से गोटी गोटी बगड़ा सकता है। हम आदिवासी हैं, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए किसी के भी ऊपर अगर कुछ होगा तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ एकत्रित हुए हैं, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी कोने मोहावे एकत्रित होंगे। हमारी मांग है कि जो फर्जी FIR डाले हैं आप उनको वापिस लीजिए प्रशासन। हमारी मांग है ऐसे लोग जो आदिवासियों को इस तरीके से मारता है, जिसने अभी मारा है, इनके परिवार पे भी वैसे बुलडोजर चले जैसे मामा जगह जगह जाते थे। छिंदवाड़ा से इतना दूर आया हूँ क्यों आया हूँ मैं? औकात याद दिलाने हमें आता है। अरे मेरे ऊपर इतने सारे मामले चले, जेल में रहा मैं अपने समाज के खातिर कि अगर कोई भी व्यक्ति इस आदिवासी समाज के ऊपर अगर राख उठा के गलत तरीके से देखेगा तो उसको सबक सिखाने का काम हमें अच्छी तरीके से आता है। संविधान को हम पढ़ते हैं और संवैधानिक हिसाब से लड़ते हैं। इसलिए आज पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि संवैधानिक हमारी जो संवैधानिक तरीके से हम वहां तक जाएंगे और आपको आवेदन देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हम आवेदन देंगे जो हमारी मांगे हैं, विधिक मांगे हैं, उनको भी आप संवैधानिक तौर पर मांगने का काम करें। लेकिन अगर आप या पुलिस प्रशासन या यहाँ की जुड़ी न्याय व्यवस्था अगर किसी नेता नगरी के इशारे पे इन लोगों के ऊपर अगर फिर भेदभाव करेगी तो यहाँ सिर्फ अभी 100-200 हजार लोग आए हैं, आने वाले समय में पूरा खंडवा बंद का भी ऐलान करने का काम हम करेंगे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से हमें दुश्मनी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से विधिक तौर पर हमारे लोगों का जो फर्जी मामला है और जो व्यक्ति इसका हत्यारा है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर दो। हम कुछ नया नहीं कह रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना, हम कोई राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, हम इस समाज के लड़के, हमारे लिए समाज पहली प्राथमिकता है। हम राजनीति नहीं कर रहे,
हमारे युवा राजनीति नहीं कर रहे तो जितने भी नेता नगरी लोग उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप पीड़ित परिवार के साथ नहीं हो, आप पीड़ित परिवार के साथ नहीं दे रहे हो, तो पीड़ित परिवार को दुखी करने का भी तुमका कोई अधिकार नहीं। और इस क्षेत्र के जितने भी हमने बोले थे आने से पहले, खंडवा में प्रवेश करने से पहले हमने बोले थे कि भाई जितने भी लोग जो ये मानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अरे सही और गलत के लिए पार्टी एक तरफ रखो और अन्याय अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए हमारे सामने आना चाहिए। मैं ऐसे लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो भले किसी पार्टी से ताल्लुक रखते लेकिन यहाँ पर आए हैं इस भाई को न्याय दिलाने के लिए, फर्जी पर वापस लेने के लिए। वो सही इंसान है, मैं उनको पार्टी का गुलाम नहीं कहूंगा जो पार्टी को लात मार के अपने समाज के लिए, इस क्षेत्र की जिला की जनता के लिए यहाँ पर न्याय के लिए आया है, वो हमारे लिए तारीफ काबिल है। और मैं अंत में यही कहूंगा कि आदिवासी समाज इस देश में राज करने के लिए पैदा हुआ था और राज करेगा, आने वाले समय में भी करेगा। अगर इस समाज को किसी भी प्रकार से कोई भी लाठी से और हमारी माँ बहनों को कोई भी अगर गलत नजर से देखेगा तो हम ऐसे इकट्ठे होकर शासन प्रशासन की नींद उड़ाने का काम करेंगे।